Good morning, all of you. Till now we have studied up to module 1 of 4th unit. Hoisting equipments के बारे में हमने पढ़ लिया था. Hoisting equipments में क्या क्या थे, उनकी क्या क्या needs थी, उनकी क्या क्या application थी, we have studied. Now, in this unit we'll study about the conveying equipments. तो एक hoisting equipments और एक conveying equipments में क्या basic difference है, we should know. जो हमारा hoisting equipments था, उस equipments को use करते थे हम लोग उस जगह जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह vertically हम लोग lift या unload करते थे, मतलब या तो उसको rise करना पड़ता था तो down करने के लिए. तो वो equipments hoisting equipments थे. उस equipments में जैसे कि starting from the pulley to winch to different cranes, all comes under the hoisting equipments. अब hoist equipments में बहुत सारे cranes के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे mast crane, derrick crane, crawler mounted crane, truck mounted crane, mobile crane, and the last and one of the most important crane in the civil construction field, tower crane. हर एक cranes की अलग अलग application है according to the use, according to the place. So it's not that कि एक कोई एक crane हर जगह के needs को पूरा कर सकता है और ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं है. सारे train की crane की अपनी capacity रहती है कि वो कितना load uplift करेगा, वो उसकी capacity होता है कि वो एक मिनट में कितना revolution rotate करेगा उसका shaft, ठीक है. तो उसका सबका अपना, और वो कितने ऊपर या कितने नीचे मटेरियल को लिफ्ट या डाउन कर सकता है, होस्ट कर सकता है, ठीक है. तो वी हैव स्टडीड, नाउ इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द कन्वेइंग इक्विपमेंट्स. अब कन्वेइंग इक्विपमेंट्स में भी मटेरियल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग यूज करते थे, लेकिन कन्वेइंग इक्विपमेंट्स में मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल के जगह हॉरिजेंटल मूवमेंट होता था. जैसे हम लोग हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, हम लोग ऑफिस से घर आते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, तो वी टेक आर कार और एनी व्हीकल और बस, अब फ्लाइट लेते हैं, अब ट्रेन लेते हैं, दैट दोज ऑल इक्विपमेंट्स कम्स अंडर दिस कन्वेइंग इक्विपमेंट्स कैटेगरी. ये कन्वे करने का, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह ये माध्यम है, तो इन द सेम वे वी विल हैव अ डिफरेंट कन्वेइंग इक्विपमेंट्स. और इसी मद्देनज़र हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में बेसिकली कौन कौन से कन्वेइंग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वी हैव टू स्टडी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम वी विल कंक्लूड कि व्हाट वी हैव टू स्टडी. नाउ क्या क्या पढ़ना है हमें, तो इस टॉपिक में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है कि क्या होता है बेल्ट कन्वेयर, क्या होता है डंपर, क्या होता है ट्रैक्टर्स या ट्रक, मतलब अब इम्प्रूव वर्जन ऑफ ट्रैक्टर ट्रक, नथिंग. वी हैव टू स्टडी दिस मच ओनली. नाउ यू सी व्हाट इज बेल्ट कन्वेयर. आपको हमने पहले ही बताया था कि बेल्ट कन्वेयर क्या होता है. एक सिस्टम ऐसा होता है जिसपे आप एक बेल्ट जो होता है मूव करते रहता है कंटिन्यूसली, और उस बेल्ट पे आप कुछ सामान रख देते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो जाता है. और जो ये सामान ट्रांसफर होता है, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस को अश्योर करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्ट कन्वेयर्स. अब क्यों इसकी जरूरत पड़ता है, हमें बेल्ट कन्वेयर्स की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे आपको टाइमली जो है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्ट्स, आपको मूवमेंट उसका होना चाहिए. जैसे कि इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इन द केस ऑफ प्री फैब्रिकेशन प्लांट्स, इन द केस ऑफ सम मैकेनिकल लेबोरेटरीज, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रेगुलर होता है, मतलब एक सामान आया उसमें कुछ लगा फिर आगे बढ़ा, फिर उसमें कुछ लगा फिर आगे बढ़ा, ये असेंबलिंग हुई या डिसेंबलिंग हुई, तो मतलब उसका टाइम फिक्स है कि एक दो मिनट में ये सामान रेडी होके निकल जाना है. तो जहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए सब्सटेंस की, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं. नाउ यू सी
क्या क्या इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं बेल्ट कन्वेयर्स के। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसेंशियल कंपोनेंट्स बेल्ट कन्वेयर्स के देख लेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस बेल्ट कन्वेयर्स में कितने तरह के अलग अलग तरह के बेल्ट्स यूज होते हैं, और लास्ट में हम एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे कि कहाँ कहाँ इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इट कंसिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, कंटिन्यूस बेल्ट, इडलर्स, ड्राइविंग यूनिट, टेकअप्स एंड फीडर्स। तो दीज ऑल यूनिट हैव वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो कि एक ये अलग अलग यूनिट मिलके एक सिस्टम बनाता है जिसको कहते हैं बेल्ट कन्वेइंग यूनिट या बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम, जो कि ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेल्ट कन्वेइंग में आप बोले तो बेल्ट ही जो है इज परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज। नाउ यू सी कि हाउ इट इज, हाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर आर अटैच एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, कैसे वो एक साथ काम करते हैं और अटैचमेंट होती है। तो आई विल शो यू अ पिक। यस सी, अब आप देखिए ये आपका जो सिस्टम है ये बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पुली रहते हैं, ये पुली आपको यहाँ पे दिख रहा है पुली, एक ये पुली, ये पुली को कहते हैं, चूंकि ये पीछे रहता है उसको कहते हैं ट्रेल पुली, और ये पुली जिसको आगे में रहता है उसको कहते हैं ड्राइवर और हेड पुली। अब बेसिकली इसी पुली के ऊपर जो है वो आपका मूव करते रहता है, क्या मूव करते रहता है, बेल्ट। ये आप जो देख रहे हैं ये बेल्ट है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो बेल्ट मूव कर रहा है वो सपोर्ट हो रहा है किसी रोलर टाइप इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग जगह, और इस रोलर टाइप जो इसका पार्ट है इसको कहते हैं इडलर, IDLER। देखिए ये जो ब्लू कलर में शो कर रहा है ये है इडलर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जहाँ से आप कोई भी मटेरियल डालते हैं, देखिए ये फीडिंग इडलर, फीड इडलर यहाँ पे है, यहाँ पे हॉपर टाइप का बना हुआ है, देखिए मतलब इस जगह पे आप मटेरियल जो है डालते हैं, ये डालने के बाद ये क्या होता है, ये बेल्ट कन्वे पे आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ आपको गिराना है या यहाँ आपको स्टोर करना है, तो क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है बेल्ट का इडलर के ऊपर, ये ड्रिवन होता है किसी एक ड्राइविंग यूनिट से, कोई एक मोटर होगा जो कि फोर्स जनरेट करता है जिसकी वजह से ये मूव करते रहता है। तो जैसे इसको आप ऑन करते हैं, मान लीजिए ये आपका ऑन किया आपने, ये सिस्टम धीरे धीरे पुली मूव कर रहा है, पुली मूव करने से क्या होता है आपके इडलर्स मूव करने, इडलर मूव करने से क्या होता है ये जो इडलर्स के ऊपर जो ये हमारा बेल्ट है ये मूव करता है। जैसे आप मटेरियल डाले यहाँ से ये मूव किया, यहाँ पे यहाँ आया, यहाँ पे गिरा दिया, फिर यहाँ पे यहाँ से चढ़ा वापस यहाँ पे फीडिंग इडलर्स के पास या हॉपर के पास, फीडिंग अरेंजमेंट के पास चला गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम एंड इट्स वर्किंग। नाउ यू सी, आपने देख लिया क्या था, तो फीडर क्या था, कंटिन्यूस बेल्ट क्या था, इडलर्स क्या था, ड्राइविंग टेकअप जो ऊपर ले जाता है उसको, तो आपको पता है। नाउ वी हैव सीन, नाउ हम लोग अब पढ़ते हैं कि कितने तरह से अलग अलग तरह से बेल्ट हो सकते हैं। तो बेल्ट यूज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बना होता है, और ये भी डिपेंड करता है कि हमें किस तरह के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो वी डिपेंडिंग अपॉन दोज फैक्टर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट, जैसे कि रबर बेल्ट, स्टील बेल्ट, वायर मेश बेल्ट। अब आप देखिए रबर बेल्ट क्या है, दीज आर मेड ऑफ रबर कवर्ड विथ कॉटन और रेयन लेड अप इन पाइल्स, मतलब रबर से बना रहता है, इसके ऊपर वाली परत जो होती है वो कॉटन या रेयन से लेयर बाय लेयर मतलब लेमिनेट किया हुआ रहता है। दीज आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कन्वेयर्स। तो ये आपको बेसिकली हर जगह पे इस तरह के आप जो बेल्ट है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जैसे स्टील बेल्ट, स्टील बेल्ट में क्या होता है, दीज कंसिस्ट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द स्टील कोल्ड रॉड, स्टील सेक्शन का बेल्ट आपका बना हुआ रहता है, 1 mm का थिक रहता है, 80 सेंटीमीटर का चौड़ा होता है, ज़्यादा लंबाई में 110 मीटर
के आसपास और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जो डेजिग्नेटेड है वो डेजिग्नेटेड ही होगा। इन जनरल इनकी ये साइजेस हैं, साइजेस में वेरी। अब जैसे कि वायर मेश बेल्ट, अब वायर मेश बेल्ट क्या होता है? इट्स एन असेंबली ऑफ फ्लैटेंड हेलिकल क्वाइल्स ऑफ द वायर ऑफ स्टील, ब्रास और अलॉय वुबन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लेक्सिबल बैंड्स विद सफिशियंट रॉड्स और क्रॉस वायर्स वुबन एट इंटरवल्स विच एक्ट्स लाइक हिंजेस। मतलब वायर मेश क्वाइल की तरह पूरा इंटर वुबन एक साथ होता है इस तरह से बंधा हुआ, और पूरा वो उसका थिकनेस होता है, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी लेंथ होती है। तो इस तरह का भी बेल्ट्स भी हम अपने बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि बेल्ट कन्वेइंग क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई मटेरियल्स यूज़ होता है, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी हमने देख लिया, फीडिंग अरेंजमेंट है, मेन बेल्ट है, पुली है, ड्राइवर यूनिट है, इडलर है, टेकअप से हमने देख लिया, हमने अलग अलग तरह के कितने तरह से बेल्ट्स होते हैं हमने देख लिया, ठीक है, रबर बेल्ट था, स्टील बेल्ट था, वायर मेश बेल्ट था। अब हम लोग लास्ट में एक चीज़ ये भी ध्यान देते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था पहले। मेनली ये फैक्ट्रीज़ में होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में यूज़ होता है, ये आपके मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ये आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ये आपके मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो वो ये आपके प्रीफैब्रिकेटेड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए मटेरियल्स की सप्लाई और उसका यूज़ कंजप्शन, तो वहाँ पे ये बेल्ट कन्वेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू सी डंपर्स, डंपर्स क्या होता है? डंपर इज नथिंग, इट्स बेसिकली एक ये ट्रैक्टर की तरह होता है, ट्रैक्टर जिसको कहते हैं आप, ट्रैक्टर की तरह होता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि डंपर में आप कोई भी सामान लोड कर लेते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, लोड करके आपको जहाँ ले जाना है आप वहाँ पर भेज दें, वहाँ पे भेजने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक हिंज, इसके बैक में हिंज रहता है और वो हिंज पॉइंट के अबाउट पाइवोट हो जाता है, मतलब वो जैसे ऐसा है, वो हिंज पॉइंट के अबाउट ऊपर हो जाएगा, तो आराम से आपका अनलोडिंग, जैसे कि आप मटेरियल ले जा रहे हैं, एग्रीगेट्स ले जा रहे हैं, सैंड ले जा रहे हैं, ठीक है, आपको अनलोड करना है, तो ऐसे हो जाएगा, वो हिंज के अबाउट उठ जाता है, पाइवोट हो जाता है और आपकी मटेरियल्स अनलोड हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डंपर, डंपर इज़ नथिंग न्यू, इट्स वेरी कॉमन थिंग। आपको डंपर्स आपको कहाँ कहाँ यूज़ करने मिलेगा मैं बता रहा हूँ, डंपर्स आपको आपको ये धनबाद रीजन में जाएंगे, कोल बेल्ट एरिया में जाएंगे तो आपको देखिएगा सिर्फ डंपर्स चल रहा है। आप झारखंड जाएँ तो यू विल सी ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डंपर्स। तो जो कोल का जो मेन आपका ट्रांसपोर्टेशन में डंपर्स यूज होता है, सैंड का ट्रांसपोर्टेशन में डंपर्स यूज होता है, स्टोन एग्रीगेट्स का ट्रांसपोर्टेशन में डंपर्स यूज होता है, तो आप इन इन जगहों पर डंपर्स का मेन यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके नोट्स में भी वही है, डंपर्स आर ऑल्सो नोन एज डंप ट्रक। डंप मतलब कहीं पे किसी को फेंक देना, निकाल के निकाल देना, उसको होता है डंप। डंपर्स आर नोन एज डंप ट्रक, इट इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन विच वर्क्स विद अ डीजल इंजन, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रॉली और अ कंटेनर फिटेड विद अ ट्रक विच कैन बी टिल्टेड इन वन और अदर डायरेक्शन। मतलब ये सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन है, मतलब ये खुद से ऑपरेट होगा, आपको जरूरत नहीं है, आपके डंपर्स में जो आपका ऑपरेटर बसता है जिसको आप नॉर्मली ड्राइवर कहते हैं, वो आराम से उसको ड्राइव करके ले जाएगा, आपको जहाँ सामान लोड करना है सामान लोड कर दीजिए। मेनली ये डीजल इंजन का ही होता है, उसके नीचे पीछे में एक कंटेनर रहता है जिसको आप डाला कहते हैं, वो डाला जो होता है आपको जहाँ पे सामान को गिराना है, यहाँ पे सामान को आपको स्टोर करना है, वो क्या होता है एक तरफ से उठ जाता है, वो सामान अपने आप गिर जाता है, ठीक है। इन द डंप ट्रक्स वन और टू हाइड्रोलिक ऑपरेटेड पिस्टन्स आर प्रोवाइडेड टू रेज और लोअर द कंटेनर कैरिंग द मटेरियल। मतलब वो हाइड्रोलिक पिस्टन प्रोवाइड रहता है, क्योंकि उसी हाइड्रोलिक पिस्टन के अबाउट वो हिंज होता है जिसके अबाउट वो लिफ्ट होता है, और लिफ्ट जब सामान अनलोड हो जाने के बाद वो डाउन होता है, तो वो हाइड्रोलिक पिस्टन की वजह से ही वो पाइवोट मतलब वो ऊपर एक तरफ अबाउट उठ सकता है, ठीक है। अब डंपर्स आर यूज फॉर लेडिंग लोडिंग कन्वेइंग एंड जंपिंग द मटेरियल्स एट द रिक्वायर्ड साइट क्विकली एंड कन्वीनियंटली। तो ये डंपर्स का क्यों जरूरत हुआ, पहले तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रक था ही, तो ट्रैक्टर ट्रैक्स का डंपर्स का जरूरत इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग क्या होता था, आपने देखा होगा बहुत जगह गाँवों में कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, उनको स्टोर तो कर लेते हैं, अब स्टोर करने के बाद क्या होता है, जब अनलोडिंग करना होता है तो आपको बहुत मैनुअल लेबर का जरूरत पड़ता है, आप खुद चारों तरफ वो फावड़ा लेके जाता है, एंड दे हैव टू थ्रो ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम द ट्रैक्टर और फ्रॉम द ट्रक
टू ऑन द ग्राउंड, वो बालू को पूरा एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके, तो मैनुअल लेबर प्राइस भी बढ़ जाता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है, प्लस आपकी क्या होती है टाइम भी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। तो डंपर की यूसेज की वजह से आपको एक तो मैनुअल लेबर भी की प्राइस भी नहीं लगेगी क्योंकि वो तो एक अपने आप लिफ्ट होकर एक जगह स्टोर हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या है टाइम जो है आपका तुरंत आपका साइकिल टाइम बहुत कम है। लोड किया ट्रांसफर आ गया, लोड किया फिर आ गया, तो ये जो साइकिल टाइम है ये तुरंत तो बड़ा इफिशियंट, बहुत इफिशियंटली आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते। यू सी इट मे बी एक्सप्रेस इन एटलीस्ट थ्री वेज, आप थ्री वेज में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप हो सकता है कि इसको एक्सप्रेस करें कि कितना रेटेड कैपेसिटी है टन्स में, एक टन में एक बार कितना उठा सकता है, रेटेज ये उठा सकता है, दूसरा कि आपका कितना वॉल्यूम ये उठा सकता है, ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब कि पूरा समतल बना के कितना उठा सकता है, तीसरा कि कितना हीप्ड कैपेसिटी है, मतलब कि हीप्ड मतलब आप जब सामान डालते हैं तो कई बार आप प्लेन नहीं करते हैं, ऊपर में ही रहता है वो, थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो हीप्ड कैपेसिटी उसको बोलते हैं, हीप बन जाना, बड़ा हो जाना, तो हीप कैपेसिटी क्यूबिक मीटर, या अगर यूरोपियन में जाए तो क्यूबिक फिट आप इतने स्टोर कर सकते हैं, तो डंपर्स की कैपेसिटी वैसी होती है। लेट मी शो यू वन ऑफ द टिपिकल पिक ऑफ द डंपर। वेट, देखिए सी, अब ये डंपर्स है। अब ये डंपर्स क्या था, कहीं पे आपने कहीं से कोई, जैसे कि ये सॉइल है मुझे दिख रहा है, ये सॉइल कहीं पे इससे स्टोर किया, इसमें यहाँ पे लाया और ये हिंज अबाउट के बीच ये उठ गया। अब उठ गया तो आपको यहाँ मैनुअल लेबर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये टोटल सारा सॉइल जो है, ये जो है पूरा टोटल सॉइल यहाँ पे गिर गया, और यहाँ पे फिर जब गिर जाने के बाद इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको ये नीचे चला आता है, और नीचे जाने के बाद फिर आप इसको भेज देते हैं कि जाओ फिर से मटेरियल जो है एक बार लोड करके अनलोड करो। तो दिस इज ऑल अबाउट द डंपर्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज स्ट्रक्चर्स, व्हाट वी हैव सीन द टू कन्वेइंग इक्विपमेंट्स टिल नाउ। पहला हमने पढ़ा बेल्ट कन्वेयर्स और दूसरा हमने पढ़ा डंपर्स। अब हमने पढ़ा है, हमें पढ़ना है ट्रैक्टर्स, और ट्रैक्टर ऐसा चीज़ है जो जिसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। व्हाट इज ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज नथिंग, इट इज़ अ सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन विच वर्क्स विद द डीजल इंजन हैविंग द हॉर्स पावर वेरिंग फ्रॉम 20 to 200 विच आर जनरली प्रोवाइडेड विद द वेरियस अटैचमेंट सच एज डोजर, स्क्रैपर, अ हैरो, अ प्लग एक्सेट्रा। मतलब ये भी आपके डंपर की तरह सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब खुद चलने वाला मशीन है। यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो कि बहुत कम हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर से 200 हॉर्स पावर। अब ये जो इसकी पावर की वेरिएशन है ये डिपेंड कर रहा है कि आपको कितने हॉर्स पावर का, कितना पावरफुल आपको ट्रैक्टर चाहिए। अब ये क्या होता है, एक नॉर्मल सा एक व्हीकल होता है, एक फोर व्हीलर होता है, ये एक टू व्हीलर भी हो सकता है, ये टू व्हीलर भी हो सकता है, फोर व्हीलर भी हो सकता है, टू व्हीलर ट्रैक्टर्स भी होते हैं। आपको आई विल शो यू अ स्केच। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, ये गाड़ी में कुछ ना कुछ अटैचमेंट लगा हुआ रहता है, आप जैसे कि आप में कुछ ना कुछ अटैचमेंट लगा रहता है। तो ये चीज़ ट्रैक्टर्स में क्या फ़ायदा है कि ट्रैक्टर में बहुत वर्सेटाइल इक्विपमेंट है, मतलब जब आपको स्क्रैप करने का, जमीन को क्लीन करने का जरूरत है समतल बना के, तो आप स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं। जब आपको मिट्टी उठाने का जरूरत है तो उसमें आप डोजर लगा सकते हैं आगे में। जब आपको प्लग करने की जरूरत है, जब खेत में आपको पूरा जो मिट्टी है आप प्लग करते हैं, देखे होंगे प्लग और हैरो, जो इसको हल चलाना बोलते हैं, हल चला के आप खेती से पहले चलाते हैं, तो उसमें अगर ट्रैक्टर के पीछे यूनिट, ट्रेलर यूनिट के जगह आप वो लगा दें, तो ये अलग अलग यूनिट लगा के आपका एक ही ट्रैक्टर है वो अलग अलग आपका एप्लीकेशन दे रहा है, मतलब अलग अलग आपको, आप उसको यूज कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैक्टर्स। नाउ यू सी व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स, कितने टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली आप दो तरह के ट्रैक्टर्स को आप बोल सकते हैं, मेनली ऑन द बेसिस कि उसका व्हील कैसा है, उसके पहिए कैसे हैं। तो दो तरह के ट्रैक्टर्स क्या है, एक ट्रैक्टर्स है उसको कहते हैं हम लोग क्राउलर ट्रैक्टर्स, जो कि उसका व्हील्स के ऊपर जो चेन की तरह वो लगा रहता है क्राउलर, जो क्राउलर यूनिट्स आप, यू ऑल आर अवेयर
जैसे कि आपके टैंक के ऊपर जो युद्ध पोत होता है, टैंक्स के ऊपर जो क्राउलर लगा रहते हैं वो क्राउलर ट्रैक्टर्स, और दूसरा होता है व्हील ट्रैक्टर्स। जो व्हील मतलब कि नॉर्मल जो आपका ट्यूब्यूलर व्हील होता है वो आप व्हील ट्रैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब व्हील ट्रैक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, व्हील ट्रैक्टर्स भी आपके दो तरह के होते हैं। क्या क्या ट्रैक्टर्स, दो तरह के ट्रैक्टर्स होते हैं। एक ट्रैक्टर्स होता है फोर व्हील ट्रैक्टर्स, मतलब जो चार पहियों वाला ट्रैक्टर है प्लस उसमें एक स्पेशल यूनिट लगा रहेगा, चाहे ट्रेलर यूनिट हो या हॉरो हो या प्लग लगाए हों या डैपर लगाए हों या स्क्रैपर लगाए हों, वो आप पर डिपेंड करता है। या एक टू व्हील ट्रैक्टर, आपने देखा होगा खेतों में हैंडल रहता है, दो व्हील रहता है उसी से, उससे भी हॉरो बहुत जगह आपने देखा हुआ, तो वो भी एक ट्रैक्टर का ही टाइप है जिसको कहते हैं हम लोग टू व्हील ट्रैक्टर। अब बेसिकली डिफरेंस क्या है क्राउलर और व्हील ट्रैक्टर्स का? क्राउलर का क्या होता है कि किसी भी तरह पे सरफेस पे चल सकता है, व्हील ट्रैक्टर्स किसी भी तरह से सरफेस पे चल पाएगा। क्राउलर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत डीजल कंज्यूम करता है और धीरे धीरे चलता है। व्हील उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, डीजल उतना नहीं कंज्यूम करता है और बहुत आराम से चलने की जरूरत नहीं है, अच्छे स्पीड से स्पीड आप बढ़ा के भी इससे काम कर सकते हैं। तो जहाँ उबड़ खाबड़ है, बहुत दलदली है या बालू है, नहीं चलता व्हील ट्रैक्टर नहीं चलता है, वहीं हम लोग क्रॉलर ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं। अबाउट द क्रॉलर नोट, एज पर योर नोट दीज ट्रैक्टर्स मूव ऑन ए इनलेस चेन और प्लेट, इट इज़ मोस्टली यूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन प्लस इन दोज एरियाज वेयर द ग्राउंड इज अनड्यूलेटेड अनइवन और वेयर द ग्राउंड इज मार्शी, जहाँ पे बहुत पानी है या बालू बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे व्हील जो है स्किप कर रहा है, स्लिट आपका मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे स्लिप हो रहा है व्हील्स, तो वहाँ पे आपको क्रॉलर ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। दूसरा था व्हील ट्रैक्टर, दीज ट्रैक्टर्स मूव ऑन ए न्यूमेटिक टायर्स, जो न्यूमेटिक ट्यूब्यूलर टायर्स आपको बताए, एंड मूव फास्टर देन अ क्रॉलर ट्रैक्टर। और नॉर्मल सी बात है कि ये जो क्रॉलर यूनिट है उससे ये बहुत फास्ट चलेगा। व्हील ट्रैक्टर्स आर यूज व्हेन द एरिया इज इवन एंड स्मूथ, और जब एरिया स्मूथ होता है और इवन होता है। नाउ लेट मी शो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स विथ डायग्राम, देन आप एनालाइज कर पाएंगे कि कितने सारे ट्रैक्टर्स के टाइप्स हैं। जस्ट होल्ड ऑन, आई एम शोइंग यू। यू सी, देखिए दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ, यू कैन सी दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ क्रॉलर ट्रैक्टर, जिसमें आपके व्हील्स के जगह पे आपका ये क्या होता है, चेन लगा हुआ रहता है। ये चेन इसको मूव करने के अलाउ करता है, किसी भी अनड्यूलेटेड एरियाज है, पानी है, मार्शी एरियाज है, बालू है, जहाँ पे व्हील स्लिप करेगा, स्किड करेगा, ये चलेगा। तो ये आपको देख के लग रहा है, एक तो ये महंगा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, प्लस ये डीजल की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होगी, और प्लस इसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रॉलर ट्रैक्टर, यू कैन सी दिस। नाउ यू सी जब आप खेतों में ट्रैक्टर यूनिट में पीछे लगा देते हैं प्लगिंग के लिए, तो ये देखिए, आप देखिए ये नॉर्मली एक बेसिकली एक ट्रैक्टर है। आप देखिए पीछे में, आप जब जमीन, जब खेती से पहले आप क्या करते हैं, जमीन को इस तरह से प्लगिंग करते हैं, उनका ये प्लगिंग के लिए प्लग लगा दिया गया है, हल टाइप का रहता है, वो टूथ टाइप का रहता है, वो लगा दिया गया है, और इसको ट्रैक्टर के इस यूज से आप इसको प्लगिंग भी कर पा रहे हैं। तो दिस इज द अनदर एप्लीकेशन ऑफ द ट्रैक्टर। नाउ यू सी, मान लीजिए कि आपको कहीं से मिट्टी निकालने की ज़रूरत है या कोई भी सब्सटेंस कहीं से उठाने की ज़रूरत है, तो ये देखिए ये सिंपल ट्रैक्टर यूनिट है। इसमें आगे में थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने लोडिंग के लिए देखिए ये डोजर टाइप का बना दिया, ताकि ये सामान कहीं से अपलिफ्ट करे, लोड करे, और दूसरे जगह में जहाँ पे इनको पहुँचाना है वहाँ पे इसको अनलोड कर दे। तो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए लोडर एंड अनलोडर इक्विपमेंट। नाउ यू सी आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हील टाइप ट्रैक्टर्स, वन इज फोर व्हील एंड अनदर इज टू व्हील ट्रैक्टर्स, जो कि आप नॉर्मली आप देखते होंगे, बहुत नॉर्मल सा फेनोमेना है। ये ट्रैक्टर जो है ये आपको दिखेगा जो गांव में एक्चुअली इसका यूज़ होता है, आपने देखा होगा तो फार्मर्स जो होते हैं ये इसका बहुत यूज़ करते हैं और ये बहुत इफ़िशियंट होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक्टर, टू व्हील ट्रैक्टर विच इज एक्चुअली यूज बाय आर फार्मर्स फॉर देयर फार्मिंग पर्पज। नाउ
we have seen the basic of the conveying equipment. So the one and the last was the truck. The truck is nothing, it's a tractor only, in which it is composed of a vehicle, a four wheeler vehicle, जिसमें एक उसका ट्रेलर यूनिट में एक कंपोजिट यूनिट होता है जिसमें आप सामान स्टोर करके बहुत दूर दूर तक स्टोर कर सकते हैं. तो जो जनरली ट्रक है आपका, वो एक ट्रैक्टर का ही अलग पार्ट है, एक ट्रैक्टर का ही अलग फॉर्म है, जिसमें जो आपका ट्रेलर यूनिट में चेंज नहीं होगा, उसमें एक फिक्स्ड होता है, उसमें बहुत वॉल्यूम एक साथ सब्सटेंस या गुड्स को कैरी कर सकते हैं, मटेरियल्स को कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह. तो वो जो होता है उसमें आपका जो ट्रेलर यूनिट और जो मेन यूनिट होता है वो अलग नहीं होता. ऐसा नहीं कि उसको अलग कर दिए और फिर दूसरा यूनिट जोड़ दिए. तो वो जो असेंबलिंग होती है उनकी, वो असेंबल परमानेंटली असेंबल किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह स्टोर करने के लिए. दस वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट. उनकी भी जो कैपेसिटी होती है वो या तो आप ग्रॉस उनकी टन कितना वेट वो उठा रहा है, या तो उसकी ग्रॉस कितनी वो वॉल्यूम अपने आप उसको कैरी कर पा रहा है. तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पा रहा है. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्वेइंग, बेसिक ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट, जिसको आप अपने बुक्स में भी बेटर पढ़ सकते हैं. इस पे देयर आर लॉट ऑफ लिटरेचर्स अवेलेबल ऑन द साइट, ऑन द स्लाइड शेयर ऑन द यूट्यूब. आई शेयर दोज लिंक्स विथ यू ऑल. आप उसको पढ़ते रहिए, यू नोट डाउन एवरीथिंग, एंड इफ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम पोस्ट देयर, आई विल रिप्लाई श्योरली. उसके बाद जल्दी ही वी विल हैव कंटेंट ऑफ यूनिट 5. आई विल ट्राई टू गिव कंटेंट मॉड्यूल वाइज, अदरवाइज वीडियो लेंथ विल बी मच मोर एंड आई वोंट बी एबल टू अपलोड इट. सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड. आई विल मीट यू सून.